ओके अंजलि वी आर हम दोनों रिटायर्ड स्टूडेंट्स इसको हिंदी में क्या बोलता है बोलता है मुझे नहीं मालूम रिटायर्ड स्टूडेंट्स ओके रिटायर्ड स्टूडेंट्स फ्रॉम तिरुपति सुनने में ही कुछ अजीब लग रहा है ना नए लोगों के स्पेशली जिनको ये बिजनेस बड़ा नया नया है रिटायर्ड स्टूडेंट स्टूडेंट कैसे रिटायर होता है रिटायरमेंट का मतलब फिफ्टी एट दैट्स द मीनिंग वी गेट राइट वी आर फ्रेंकली स्पीकिंग आई मीन क्यों अजीब लग रहा है मैं बताऊ बचपन से हमारे माइंड में एक चीज डाला गया है सक्सेस का मतलब है बड़ा बड़ा डिग्रीज कमाना अच्छे अच्छे जॉब्स करना डॉक्टर्स बनना इंजीनियर्स बनना प्रोफेशनल्स बनना या बड़ा बड़े इन्वेस्टमेंट्स करके कुछ बिजनेस करना या फॉरेन कंट्रीज जाके उस करेंसी में कमाना ऐसा ही चीज़ बोला था ना आप सबको इसी को कन्वेंशनल थिंकिंग कहते हैं हम मैं सच बता रहा हूँ मेरा लाइफ जो अब है मैं इन 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 सब लोगों में से कोई भी नहीं हूँ मैं डॉक्टर नहीं हूँ मैं इंजीनियर नहीं हूँ मैं कुछ नौकरी नहीं कर रहा हूँ को, कोई भी आई मीन I mean, कुछ भी नहीं हूँ मैं फिर भी मेरा लाइफ स्टाइल आज जो मैं अभी जी रहा हूँ उन सब के लाइफ स्टाइल से टेन थाउजेंड टाइम्स मोर पावरफुल है टेन थाउजेंड टाइम्स दस हज़ार गुना बहुत पावरफुल है बहुत ब्यूटीफुल है बहुत सिग्निफिकेंट है बहुत मीनिंगफुल है क्योंकि कैसे हुआ ये मैं मेरा कन्वेंशनल थिंकिंग से बाहर आया पहले पाँच साल के पहले मेरा थिंकिंग से बाहर आया फिर कई लोगों से कई लोगों को उनके कन्वेंशनल थिंकिंग को बाहर आने के लिए मदद किया और उसी काम में आज भी आया आप लोगों को मदद करने आपके कन्वेंशनल थिंकिंग से आपको बाहर लाने सक्सेस का वो डेफिनेशन नई है वो अलग है वो तो चला गया अभी तो नया डेफिनेशन हम दे रहे हैं ड्रीडिफाइनिंग सक्सेस ओके जस्ट बी बी